हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है एग फ्रीजिंग। और मैं आपको एग फ्रीजिंग के साथ साथ स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जानते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या होता है। देखो, एग फ्रीजिंग को साइंसी लैंग्वेज में हम ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, वो अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकती हैं। अब फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन क्यों करेंगे, क्योंकि पहले के टाइम क्या होता था, लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी, तो लोग जल्दी ही प्रेग्नेंट होते थे, बच्चा प्लान करते थे। बट आज के टाइम पे जो फीमेल होती हैं, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, वो अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होती हैं, या तो उनको अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, या फिर कोई फैमिली इशू है, तो जिसके कारण से वो अभी बेबी प्लान करना नहीं चाहती हैं। लेकिन अब देखो, आपकी एज समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी ना, आप हमेशा 20-25 के तो नहीं रहोगे। तो जब आपकी एज बढ़ेगी, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपकी एग की क्वालिटी, आपकी एग की क्वांटिटी दोनों क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जब एग की क्वालिटी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो उस टाइम पे कंसीव करने में दिक्कत आएगी, आप आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एग फ्रीजिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो AMH हार्मोन होता है, उसका जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण से एग की क्वालिटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज। अब जब क्वालिटी ही डिक्रीज हो गई, तो प्रेगनेंसी में तो दिक्कत आएगी ना, तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, एग फ्रीजिंग कराते हैं। अब देखो, एग फ्रीजिंग का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज टू इनेबल वुमेन टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी टू लेटर डेट, वेदर फॉर मेडिकल और सोशल रीजन। की इसके अंदर वुमेन्स की प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कराते हैं, कारण क्या होता है, या तो मेडिकल रीजन या फिर सोशल रीजन। मेडिकल रीजन के अंदर जैसे कि कुछ कैंसर पेशेंट होते हैं, या फिर अगर आपको कोई बीमारी है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है, या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो आप अपने एग को फ्रीज करा सकते हो। या फिर सोशल रीज़न हो सकता है आपका, कुछ भी आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी, या फिर जॉब करियर, तो उस दिक्कतों को हम क्या कहते हैं, सोशल रीज़न कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कि एडवांटेज क्या होता है एग फ्रीजिंग का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सपोज दैट कि आपकी शादी होती है 35 में, ठीक है, और 35 में शादी होने के बाद आप चाहते हो कि अभी मेरे को बेबी प्लान नहीं करना है, 4-5 साल का मुझे गैप चाहिए, तो 40 की एज में क्या होगा, आपकी एग की क्वालिटी कितनी ख़राब हो चुकी होगी। अब तो 50 के लगभग क्या जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, उस टाइम पे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो ना। तो अगर आपने अपने एग को प्रिजर्व कराया होगा, जब आप 20-25-30 के रहे होगे, तो उस टाइम सपोज दैट कि किसी ने अपना एग प्रिजर्व करा दिया एट द एज ऑफ 25, ठीक है, और वो शादी करता है एट द एज ऑफ 40, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो 40 साल का हो गया है, लेकिन जो उसका एग है ना, वो अभी भी जवान है, वो अभी भी 25 इयर्स का ही है। तो बाद में अगर उसको 45 की ईयर में प्रेग्नेंट होना होगा, बेबी प्लान करना होगा, तो वो जिसने अपना एग प्रिजर्व कराया था ना, वहां से वो क्या कर सकता है, इम्प्लांट करा सकता है बेबी, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने एग को अपने अच्छी एज में प्रिजर्व कराया है, इसलिए सक्सेस रेट भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कि रीज़न क्या होता है, क्यों हमको कराना चाहिए एग फ्रीजिंग। इसलिए कराना चाहिए क्योंकि पहले ही बताया कि एज के साथ साथ हम सोच से जवान रह सकते हैं ना, कि हमें लगे कि हम अभी भी फिट एंड फाइन है, बट एग की क्वालिटी को कौन रोक सकता है, वो तो समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना। तो क्योंकि एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसकी क्वान्टिटी कम हो जा रही है, इसीलिए हमें एग फ्रीजिंग करा लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं शादी लेट करने वाली हूँ, या फिर अगर मेरी शादी हो गई है बट मैं बेबी प्लान अभी डिले करना चाहती हूँ, मैं अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हूँ, तो उस कंडीशन पे आप अपना एग फ्रीज करा सकते हो। और अगर आपके मन में आया कि एग फ्रीजिंग कराने का जो बेस्ट टाइम कब होता है, तो आप अपने लेट 20s या फिर अर्ली 30s के लगभग एग फ्रीजिंग करा सकते हो। 40-35 में एग फ्रीजिंग कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट क्या आता है एग फ्रीजिंग का। तो एग फ्रीजिंग का जो कॉस्ट आता है ना, वो लगभग 1 लाख या फिर 1.5 लाख से 2 लाख के करीब एग फ्रीजिंग का कॉस्ट आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा स्पर्म फ्रीजिंग, तो स्पर्म फ्रीजिंग का जो कॉस्ट आता है ना, वो एग फ्रीजिंग की कॉस्ट से बहुत कम है, ये 2 लाख के लगभग है एग का, लेकिन जो स्पर्म फ्रीजिंग का कॉस्ट है, वो 5-6 हज़ार में आपका काम हो जाता है। जो स्पर्म फ्रीजिंग है, वो एज़ कंपेरिजन टू एग फ्रीजिंग इतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। अब देखो,
ट्रेंड के हिसाब से, तो ट्रेंड ज़रूरत के हिसाब से बनती है। तो स्पर्म को फ्रीज़ कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एग को फ्रीज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मतलब मेथड कि कैसे एग को फ्रीज़ कराते हैं। तो देखो, आपकी जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के सेकेंड डेज आपको बुलाते हैं, ठीक है। फिर आपको इंजेक्शन देते हैं जो कि आपके हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके बाद आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ओवरी में एग डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। उसके बाद जब आपके एग का साइज़ 18 mm to 20 mm, जब इतने लगभग का एग का जो साइज़ होता है वो हो जाता है, तो आपकी ओवरी से एग को निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको हम फ्रीज़ करते हैं, क्या घर वाले फ्रिज में? नहीं, उसको फ्रीजिंग डिवाइस होती है, बट उसके बाद अंडर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एग को फ्रीज़ करके रखा जाता है। आप अपने एग को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जब तक चाहो तब तक रिन्यू करा करा के, यानी पेमेंट दे देकर आगे उसको बढ़ा सकते हो। अपने एग को जब तक चाहो तब तक के लिए फ्रीज़ करा सकते हो, जिससे आपको बाद में मदरहुड को इंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।